किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, बाद में 10% की कमी हो जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये आपके लिए प्रश्न आया हुआ है, तो ट्राई करेंगे। इफ अ नंबर इज द फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड सबसीक्वेंटली रिड्यूस्ड बाय 10%, परसेंट विल द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द नंबर? 8% 8% सर। तो बच्चों के आंसर आने लग पड़े हैं, तो इसका जो आंसर है वो है 8%, 8%। तो मैं आपको बता दूं कि क्या है इस प्रश्न का हल। तो सबसे पहले बेटा जी देखिए कि 20% अगर वृद्धि हो यानी कि इंक्रीज हो तो यानी कि वो 120 हो गया, मतलब 100 में ही प्लस होगा, 100 में ही कमी होगी, तो कमी भी उस 100 में ही माइनस हो जाएगा। जैसे कि कमी हुई थी इसमें कितने की, 10% की, तो टोटल हो गया आपका 90। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले व्यक्ति ने वृद्धि की गई थी यानी कितने की, 120, फिर 90 की, टोटल किसमें की थी, परसेंटेज में, बटा 100। कैलकुलेट करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, यानी कि 12 को 9 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 108। यानी कि टोटल आपको बेनिफिट कितना होता था, 100% का, मगर आपने उससे ज्यादा मोर कमा लिया, कितना परसेंट, 8%। तो दैट्स योर आंसर। सर हाँ जी, वृद्धि हुई 100 में 120, तो घटाना उसमें 120 में नहीं होने 10% कम? नहीं नहीं, मैंने अपना ये दूसरा मेथड है, इस मेथड से कर रहा हूँ, आप किताब वाला मेथड बता रहे हो, मैं दूसरा मेथड बताया ये। लास्ट में सर 100 माइनस कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपको जो है 108 की ही आशीष, 108% कभी भी फायदा नहीं होता है, कि होता है जब भी होता है हमें 100% होता है। तो बेटा बढ़ गया ना ये, आपको 108 रुपए कमा लिए थे, ज्यादा परसेंटेज में जा रहा है ना। अच्छा अच्छा सर, इसलिए हमें टोटल, हमें पता है कि हमने ज्यादा ज्यादा हमने कितना कमा सकते हैं, तो उस हमें ये पता लग गया कि जो टोटल चेंज हुआ है वो 8% का चेंज हुआ है। डिफरेंस कितने का आएगा, 8%। एक तरीका हो गया मेथड नंबर, बोलो बच्चे सभी बोलो, मेथड नंबर वन, दो, एक और कर ले दो। अब बच्चों देखो हमें कितने परसेंट का फायदा होता है हर बार, तो पर बंदे ने क्या किया, सबसे पहले 30% की वृद्धि हुई, कितने की हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो कितना बन गया वो, 120। फिर आगे क्या, बाद में 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई है, यानी कि जो 120 था इस पर 10% की कमी हुई, तो कितने परसेंट की हुई, 10% की, तो टोटल कमी कितनी हुई, 12 की, 12 रुपए।
तो जो बंदा या चीज थी जो 120 प्रतिशत की थी उसमें 12 कम हो गए तो कितने रह गए 108, यानी कि 108 बच गए। तो अब इन दोनों में कितने का फर्क आया बोलो? 8। अब बोलो, अब भी नहीं समझ आया? आया सर। तो मेथड नंबर हाँ जी द्वार से समझाना, मैं क्लियर कर लेता हूँ बेटा जी। देखो सबसे पहले एक बात नोट करो कि आपको कितने प्रतिशत यानी कि कितने प्रतिशत की जरूरत होती है 100% की। तो व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति को उन्होंने 20% की वृद्धि कर दी। कई बार 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, उससे डरना तो है ही नहीं ना हमने। तो व्यक्ति को 20% की वृद्धि हुई तो यानी कि 120 हो गया। मगर इन्होंने बोला 10% की कमी की जाती है, यानी कि 10% की कमी किससे होगी, इसी से होगी। तो मैंने बोला कि 10% यानी कि 120 का 10% ही निकाल लेता पहले। तो जब मैंने 120 का 10% निकाला तो मेरे को पता लग गया कि 12% इनकी 12% की क्या आएगी, चेंजिंग हो रही है। तो यानी कि टोटल 12% की चेंजिंग हो रही है। तो 120 में से मैंने क्या किया, 12 माइनस कर दिए। तो मुझे ये पता लग गया कि यानी कि टोटल जो चेंज हुआ वो इन दोनों में वो टोटल हुआ 108 का। मगर जो स्टार्टिंग की थी शुरुआत वो कहां से की थी, 100 से। तो दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, 8% का। तो ये ही इन्होंने पूछा था कि तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन कितना होगा स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक, 8% का। दैट्स योर आंसर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज कंजप्शन व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20% सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। चीनी के मूल्य में कमी हो जाने पर सर 20%। कभी ट्राई करें, सर 25%। 25 25 25 25 25 मैं बताता हूं कि कैसे निकलेगा बेटा। डायरेक्ट बता दूं आपको एक मेथड नंबर 2 से ही जो अपना अभी मैंने बताया था सर, शॉर्टकट बता। तो सीखने से तो ही होगा आशीष। ये आप लाइनें क्या लगा रहे हो अपने मोबाइल में, कुछ मत समझिए कि यहाँ पे सभी की स्क्रीन होती है बेटा। तो देखिए 100% आपकी वृद्धि या कमी आनी होती है, जो भी 100% पर ही होती है। पर इन्होंने क्या बताया, 20% की क्या हुई है, कमी। तो 20% की होगी यानी कि 80% रहेगी वो चीज, है ना। मगर होनी कितनी थी, 100% बननी चाहिए थी। ये देखिए अब जो 100 की चीज थी वो 80 बन गई है, मगर हमें चाहिए कितनी थी, 100 या 100 से ज्यादा। बट वो 108 रहेगी। तो दोनों में टोटल कितने का फर्क आ रहा है, 20 का। तो यानी कि 20% की क्या हो गई है, वृद्धि वृद्धि हुई है चाहिए।
आपको दे, अच्छा आपको लग रहा है कि कमी हुई है, वो नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला है ना कमी हुई है, मगर वृद्धि करने के लिए हमें कितने की चाहिए, कितने की जरूरत है, ये बोला था आगे क्वेश्चन में देखो, वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि जो 80 रुपये चीज थी बेटा वो उसमें हम क्या ऐसा कितना डालें कि वो 100 बन जाए, कुछ बात समझ आ रही मेरी? जो 80 की चीज थी उसको मैं 100 कैसे बना सकता था, तो 100 तभी बन सकता था अगर मैं उसमें 20 और डाल देता, सही बोल रहा है कि गलत बोला मैंने? सही बोल रहे, ठीक है, तो वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है तो कोई चक्कर नहीं है, वृद्धि कितनी हो गई जी 80 की, किस पे हुई है जी 80 पर, 80 से गुणा 100 100, तो जीरो से दो जीरो के कुम दो, दो चौके 8 और ये 25, तो यानी कि टोटल कितना आ गया बेटा 25%। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया? आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय को वेस्ट ना करते करते, क्योंकि आपको पता है ये जो क्लासेस होती हैं ये आगे टाइम ओवर हो जाता है, फिर जुड़ते जुड़ते टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें और हर में 10% की कमी करें तो परिणाम इतना भिन्न प्राप्त होता है, तो भिन्न बताएं, भिन्न होता है फ्रैक्शन, आपके सामने इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय 10% इफ द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 10% देन द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय 11/15 देन टेल व्हाट। बोला था कि भिन्न, तो मैं भिन्न जो होता है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, x ओवर y की फॉर्म को हम भिन्न बोलते हैं, अब बोला है इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो यानी कि कितना हो गया जी 110। बोला है हर में, जो नीचे वाले में 10% की कमी कर दी जाए तो कितना रह गया जी 90, तो हमें 11/15 प्राप्त होता है, यानी कि 11/15 हो गया। तो x ओवर y, यानी कि जीरो से जीरो कट गई, x ओवर y जो है वो किसके बराबर हो गया 11/15, तो बेटा जी जो आपकी ये वैल्यू है वो वहां पर जाकर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो 9/3 हो गया 11, तो 11 से 11 के 3 से 9 और 3 5 15, यानी कि कितना आ गया बेटा 3 5 5, तो ये रेशियो होगी। बोलो मुझे ये बताओ कि पेपर में इतना स्टेप तो लिखने के लिए टाइम होता है ना, क्योंकि हमारे पास पेज नहीं होते पेपर में ना समय होता है ना पेज होता है, तो बेटा ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है आपको, कहो समझ आया है कि नहीं आया है? आगे सर, आगे सर। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो मुझे बार बार पूछ सकता है, पर्सनली भी क्लास लेके पूछ सकता है, कोई मना नहीं है भैया, बस एक है मुझे नौकरी चाहिए। अब ये क्वेश्चन की शक्ल देख के डर नहीं जाना सभी ने, पढ़िए इसको क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, कुछ ने अंग्रेजी लिया और कुछ ने दोनों विषय लिए, यदि 80% हिंदी विषय लिया, 46% अंग्रेजी विषय लिया, तो बताएं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए थे। इसी प्रकार से इंग्लिश में बोला है, इन एन एग्जामिनेशन सम स्टूडेंट्स टुक हिंदी सब्जेक्ट, सम टुक इंग्लिश, सम टुक बोथ द सब्जेक्ट्स, इफ 80% टुक हिंदी एंड 46% स्टूडेंट्स टुक इंग्लिश,
what percentage of the students took both the subjects? What percentage, sir? क्या आंसर आएगा? 26% आपके हिसाब से 26%. चलो लेट्स ट्राई, देखते हैं. मैं इसको जो हूं बच्चों सेट की तरह समझाता हूं आपको, सर्कल्स की तरह. वेन डायग्राम कहते हैं इसको. ये आ गया आपका हिंदी और ये आ गया आपका इंग्लिश. अब कहा है कि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी सब्जेक्ट लिया है और 46% विद्यार्थियों ने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, तो टोटल कितना हो गया आपका? और ये आपको बोथ निकालना कि जो दोनों ने लिए हैं वो कितने प्रतिशत लिए, ये निकालना है आपको. तो देखो टोटल इन दोनों का कितना हो गया? 96 सॉरी 80 है, मैंने 40 80 तो आपका हो गया 126. तो आपको ये तो पता है कि ये कितने परसेंट ज्यादा जा रहा है? 76. यानी कि आपका आंसर आ गया. कहो कि समझ आया कि नहीं आया. क्वेश्चन डराते हैं भैया पर क्वेश्चन डरने का नहीं ना, मैंने सिंपल तरीके बताए आपको. इससे इसमें टाइम लगेगा क्या? नहीं सर. एक बार फिर से समझाना कि हो गया? हो गया सर. समझा दो सर. हाँ समझा दो. हो गया सर. देखो भैया ये दोनों थे हिंदी वाले एक इंग्लिश वाले. हिंदी वाले के मार्क्स 80%, अंग्रेजी वाले के 40%. तो दोनों के निकालने थे. मैंने इन दोनों को क्या किया? प्लस किया. कितना आ गया? 126. अब ये आपको पता है कि हमारा कितना होता है? 100%. तो 100% से ये कितना ज्यादा था? 26. तो ये जो 26 है वो कहाँ के है? यहाँ के. तो ये ही आपसे प्रश्न में पूछे गए थे कि बोथ की जो है वो परसेंटेज निकालें. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा. ट्राई करें. दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कम है, 20 और 25 से अधिक है. दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत है? होप सो कि आपको मेरे प्रश्न आज के अच्छे लग रहे होंगे. पहली दूसरी और तीसरी संख्या मैंने ले रहा हूं. ले लू कि आप अभी मैं वेट करूं आपका? ले लो. एक मिनट रुको. सर 16 2/3% ना कौन में है ही नहीं बेटा, फ्रैक्शन में नहीं है ये आंसर, डायरेक्ट है क्रमशः. हाँ ये 90 से लेकर 100 के बीच में कोई आंसर है. हिंट दे दी है, 90 से लेकर 100 के बीच में कोई ऑप्शन है जो आंसर है? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25. फिर बोलते हैं कि सर आप नहीं समझा रहे थे, आपने तो क्वेश्चन बच्चों वाले डाले हैं. अब नहीं है भैया, आप तो उठा दिया लेवल. सभी ट्राई करें बच्चों, बहुत ही अच्छे उमदा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. आपको और अच्छे लगेंगे तो मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा. कितना आंसर बता रहे? 96. हाँ शुभम धीमान का आंसर आया 96%. तो 96% जो है 54 स्टूडेंट्स जो मेरे साथ लाइव थे,
तो उनमें से एक बंदे का आंसर निकला था 96%। 96,000। अब लेट हो गए शुभम कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले म्यूट कर ले। जाने से पहले हम जो है इसका आंसर जानेंगे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20 तथा 25% अधिक है। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि तीसरी संख्या हर बार हमारी, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूं बेटा, तो 100% होता है। तो अब बोला कितने परसेंट ज्यादा है इससे, 20 और 25, यानी कि एक 20% ज्यादा और दूसरी 25%, यानी कि एक 120 होगी, एक 125 होगी। अब पहली और दूसरी संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो पहली और दूसरी संख्या का अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो पहली का दूसरी के साथ निकाला जाता है बेटा। अब इन्होंने जो वर्ड पहले लिखा होगा वही आएगा ऊपर, पहली का दूसरी के साथ, सॉरी ये 125 गुणा 100, तो 25 125 और 25 चौके 100 और 5 एकम 5, 5 दुनी 10 और 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 4 दुनी 8 और 1 9, तो 96% जो है वो आपका आंसर आएगा। अब बोलिए समझ आया ये टाइप, क्लियर हुआ किसी को? ये बात क्लियर नहीं हुई तो मेरे से पूछिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं अगेन समझा देता हूं मेरे भैया, कि तीन संख्याओं की बात की गई थी, पहली दूसरी और तीसरी, और इन्होंने ये कहा था कि तीसरी संख्या से ही बात कर रहे थे ये शुरू, तो मैंने तीसरी से ही शुरू करना पड़ेगा। जो हमारी तीसरी संख्या है वो है 100%, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर जो है वो बताया है 100%, 100% के साथ ही चलना है और किसी के साथ नहीं चलना है। तो बोला है कि पहली और दूसरी जो ये दोनों है, एक 20% और 25% की अधिक है, यानी कि एक 20% हो गया, दूसरा 25% हो गया, यानी कि किससे अधिक है, तीसरी से। तो बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसलिए प्रतिशत का अंडर लगाया, कैलकुलेट किया, तो आपका आंसर इज 96। अब बताएं समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो ऐसे करके बच्चे आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चंस देखने हो तो आप वीडियो को दोबारा आप YouTube पर देखा करो, तैयारी हो जाती है बांधने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यदि A की आय जो B से 10% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी से करें, डायरेक्ट आंसर बताएं मुझे। A की आय जो है वो B से 10% अधिक है, यानी कि आपकी अगर 110 है तो वो B से यानी कि कितने अधिक हुआ, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का ही आ रहा है ना, क्वेश्चन में ही था ये, तो 10 का फर्क आ रहा है, तो यानी कि 10 का आ गया ऊपर। कितने पर आ रहा है जी, पूछा है इन्होंने किसके ऊपर है, तो इन्होंने बोला है कि A के ऊपर, तो A का कितना था जी, 110, तो 110 ये आ गया गुणा 100 100/11 हाँ बेटा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के हम ऐसे कर सकते हैं। बोलो सही आया कि नहीं आया समझ? इसका फॉर्मूला भी हो सकता है आर ओवर 100 प्लस माइनस आर इनटू 100, ये बुक्स वाले पढ़ाते हैं ऐसे ऐसे बुक्स में लिख देते हैं, और फिर बोलते हैं ट्रिक, ट्रिक नहीं बनती है भैया जब तक हमें इस तरीके से ना समझाया जाए। होप सो कि सबको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लाई दें बेटे, सभी रिप्लाई दें।